हेलो। हाँ पापा, पापा मैं जॉब के लिए आया था। हाँ स्कूल में। हाँ हाँ पापा, मैं आपको अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं रखता हूँ सर, आ गए हैं। बाय सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो। हाँ भाई बताइए, क्या काम है आपको? मैं आपके स्कूल में नौकरी के लिए आया था। मैंने इश्तेहार देखा था, टीचर की ज़रूरत है आपको। अच्छा, नौकरी के लिए आए? नौकरी के लिए। अभी क्या करते हैं आप? कुछ करता होता तो यहाँ क्यों आता? रोजगार में कुछ नहीं करता मैं। नौकरी दे दीजिए सर मुझे आप। सर मैं ऐसा आपका एहसान पूरे दिन नहीं भूलूंगा। सर मुझे नौकरी दे दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? पर नाम तो मेरा धनराज है, लेकिन मेरे पास धन का राज नहीं है, इसलिए मैंने धन हटा दिया। अब नाम मेरा राज बचा है सर। पापा क्या करते हैं? पापा का होटल था, लेकिन होटल बेचवा दिया और किराने की दुकान खुलवा दी किसने? लॉकडाउन ने। वैकेंसी तो फुल हो गई, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। मैं कुछ महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरा काम संभालना है। डायरेक्ट प्रिंसिपल की नौकरी, पूरे स्कूल पे अपना राज। किस्मत खुल गई यार मेरी तो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं काम करूंगा, मैं तैयार हूँ काम के लिए सर। ठीक है, तो मैं तुम्हें काम समझा दूं? नहीं सर, मुझे सब आता है, मैं पूरे मन से काम करूंगा। फिर भी सुन लो, तुम्हें सुबह 6 बजे से उठना है और झाड़ू पोछा करने के बाद कपड़े बर्तन धोना है, उसके बाद खाना बनाना है। ये दोनों टाइम का तुम्हारा काम रहेगा। हफ्ते में एक बार टॉयलेट साफ करनी होगी। और मैडम से पूछ लूं, मैडम का कोई काम तो नहीं है? और मैडम, हाँ आपका कोई काम इसको बताने के लिए? बच्चों के नहीं बताते, बाप बदलेगा। मैडम की बातों पे ध्यान मत देना, वो जो कह रही है वो अच्छे से करना। और बाकी स्कूल के काम के लिए मैंने लड़का रख लिया है। नहीं, सर मैं बेरोजगार ही अच्छा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू।